माशाल्लाह माशाल्लाह, तो नन्हे मन्ने नन्हे मुन्ने मेहमान आ गए। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ रिया गिर गई है। मुजम्मिल किसे आप ही से मिलने आए हो? सोनिया आप ही से मिलने आए हो? है मुजम्मिल। वालेकुम। ठीक सर सुनाओ। ठीक है। रैन फातिमा, रैन फातिमा की नानी आ गई है। खांसी होगी है, कल दवाई ले आए, खांसी होगी है, उसकी भी ले आए वो रैन फातिमा अपना हुरिया की भी। ये मौसम चेंज हो रहा है ना, उसी वजह से हो रही है। ओए क्या कर रहे हो भैया? इधर आओ, इधर आओ। आज अहमद भी आई हुई है हमारे पास और मुजम्मिल भी आया हुआ है अंदर, हुरिया के साथ खेल रहे हैं। अम्मी भी आई हुई है, अम्मी आज सबसे पहले मेरे घर आई है, फिर आगे जाएगी, क्योंकि सब काफी सारे कमेंट कर रहे थे कि सुनैना घर और आपका घर कैसे कितना दूर है। तो इतना दूर नहीं है हमारा, जो ना बस यहाँ से ना 3 या 4 मिनट लगते हैं पैदल, वो भी पैदल, तो इतना दूर नहीं है, साथ ही घर है सुनैना का। तो अम्मी का दूर हो जाता है थोड़ा सा, तो हमारे घर के साथ ही है सोनिया का घर। तो ये पहले मेरे पास आई है, फिर वो मेरी खाला का घर भी साथ हो गया और मेरा घर भी, फिर आगे वो सोनिया का घर आता है, उनका घर भी साथ है, फिर वो आगे उनका घर आएगा सोनिया का, फिर वहाँ जाएगी उनका एंड पार्क है सोनिया का। तो अभी ना मेरे पास आई है, तो अभी चाय वगैरह भी पी है। फूल है, फूल किसने दिया है? नानी ने। लकड़ी कैसी हो बेगम? ठीक है। तो अभी टाइम होने वाला तकरीबन 2 का, तो 5 बजे दूल्हा और दुल्हन खाने पे आएंगे इंशाल्लाह। तो उससे पहले जो है ना, हम खाना उनके लिए बना रहे हैं, सब रेडी कर रहे हैं, सब चीज़ें रेडी कर रहे हैं। तो आपने हमारे साथ रहना, वीडियो पूरी देखनी है और बताना है कि हमने खाना खुद अपने हाथों से बनाना है ना जी। हुरिया भी काम कर रही है। तो अभी हमने ये जो हमने बनाने ना चाइनीज राइस, उसके लिए हमने गोश्त को उबलने के लिए थोड़ा छोड़ दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो सबसे पहले चाइनीज राइस बनाते हैं, ऐसे ना बेगम जी? जैसे जैसे नंबर आता जाएगा फिर बनाते हैं, वो सालन बनाएंगे, कढ़ाई बनाएंगे जी इंशाल्लाह। तो उसके बाद में वो सेवियां बनाएंगे जी, मीठा भी बनाएंगे। तो बेगम की आपने कुकिंग पूरी देखनी है आज जी। ठीक है बेगम, चलो बिस्मिल्लाह रहमान शुरू करो। तो अभी हमने सारा चीजें काटना, पहले काट लिए, सब पहले हमने सब चीजें काट ली हैं, तो इसलिए हमने कहा एक बार सब बनाते जाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे ना पहले ना इस डेक्ची में जरा पानी डालेंगे और चावल उबाल लेंगे। तो पानी को उबाल आ चुका है, तो अब इसमें हम चावल डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया, तो सबसे पहले हम इसमें अंडे डालेंगे। तो अंडे हमारे फ्राई हो गया है चाइनीज चावल के लिए, तो अभी हम इसको अलग-अलग निकाल लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा घी डाल के ना सारे सब्जियां इसमें फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो सबसे पहले इसमें हम बंद गोभी डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और शिमला मिर्च हो गई, गाजर, तो
दो चम्मच इसमें नमक के डालेंगे। और ये काली मिर्च का हमने पाउडर बनाया था वो भी इसमें डाल देंगे। और अच्छे से मटर डालेंगे, ये कि अलग से उबाल लिया था मटरों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये कीमा, चिकन कीमा तो भी इसमें डाल देते हैं। चावल डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे फ्राई किए थे तो वो डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के पत्ते ऊपर डाल देंगे और इसको दम पे लगाएंगे। दम पर लगा देंगे 20-25 मिनट के लिए। हल्की हल्की आंच, चल लगा दो दम। इसमें घी डालेंगे। घी गरम हो गया है तो अब इसमें प्याज डालेंगे और अच्छी तरह इसे ब्राउन करेंगे। लहसुन और अदरक दे जाना, अभी प्याज से हमारे अच्छी तरह ब्राउन हो गए हैं। और लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। तो अब इसमें हम चिकन डालेंगे। इसमें हम बिरयानी मसाला डाल देंगे, टमाटर और हरी मिर्च, और इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे। हल्दी, लाल मिर्च, नमक, देखिए मिसाले अच्छी तरह हमारे सही होने वाले हैं। तो अभी हम पानी डाल देंगे और इसमें हम गरम मसाला भी डाल देंगे और अच्छी तरह जा कर मिक्स करेंगे। जब अच्छी तरह ये मिसाले साफ कर जाएंगे ना, फिर इसमें हम पानी डालेंगे। तो मसाला से अच्छी तरह हमारे जब मिसाले हैं फ्राई हो गए हैं तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। 1 किलो पानी आएगा। जब पानी को उबाल आ जाएगा ना, फिर इसे मार चावल डालेंगे। तो पानी को उबाल आ चुका है तो अभी हम इसमें चावल डाल देंगे। अच्छी तरह धोए हैं चावल। तो अभी अच्छी तरह इसे हिला करना, दम दे देते हैं। चावल जो है ना हमारे दम पर लगे हुए ना, हमने कहा कि ना जल्दी जल्दी सेवियाँ बना लेते हैं। माशाल्लाह से घी हमारा गर्म हो गया है तो अभी हम इसमें सेवियाँ डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात साथ साथ ना रहता और सलाद भी तैयार करते हैं। बेगम अपना काम कर रही है, इधर सेवियां बना रही है। तो हमने कहा कि हम ना ये बना देते, ये डाल दो ना।
मैं पानी डाल दी उसे डालो इसमें इलायची और वो भी डाल सारे खा गए बुढ़िया तो खा गए किशमिश सारी खा गई है इसमें डाल दो किशमिश इलायची भी तो अभी हमारी जो है ना चटनी माशाल्लाह से तैयार हो गई है ये सिर्फ सब धनिया और पुदीना है पुदीना जिसे कहते हैं अभी हमने काली मिर्च और हरी मिर्च वो भी इधर कूटनी है ये काली मिर्च और हरी मिर्च वो भी इधर डाल दी मिक्स कर दी देखिए हमारा ये काली मिर्च इसमें हमने अच्छी तरह कूट लिया है तो अब वही इसमें डाल देंगे डालो देंगे चलो इसमें मिक्स करूँगी अब इसमें सब सब मिर्च नहीं वो करूँ माशाल्लाह से सेवियां हमारे तैयार हो गई हैं ये देखें बहुत सब चीज़ अच्छी बनी है मेहनत बहुत ज़्यादा की है सुबह से लेकर अभी तक और अगली वीडियो में ना सोनिया और वसीम आने वाले हैं तो वो वीडियो मुकम्मल देखनी है और ये वीडियो भी देखनी है तो आगे भी शेयर करनी है तो ये देखें तो शादी का कार्ड आया था हमारे पास तो शादी पर नहीं जा सके तो हम ना सालन ले आए नहीं उन्होंने कहा है कि आपकी मर्जी यहाँ पर बैठ के खाएं आपकी मर्जी हाँ, ये देख पूरी होती है ना कट्टे की मैं उस दिन आपको बता रहा था तो उसके 13 हिस्से किया है उन्होंने 1500 फी बंदे को आया है जी। तो 1500 रुपए में ये सालन उन्होंने दिया है कट्टे का जो मैंने बनाया था इसमें डाल देते हैं माशाल्लाह हर चीज बड़ी जबरदस्त तैयार हुई और आपने जरूर बताना है कि बेगम साहब ने इतनी मेहनत की है तो बताना ज़रूर है